नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं अपने किडनी के बारे में बात करेंगे, किडनी की बीमारी क्यों हो जाती है। तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ये दो एक से दो मिनट की वीडियो होने वाली है। दोस्तों किडनी की बीमारी जो है वो क्यों हो जाती है। किडनी की बीमारी जब होती है तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लग जाता है, वो भी ठीक नहीं होता है। तो किडनी की अगर सफाई करनी है पूरी तरह तो आपको लेना है 1 गिलास दूध, और दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी लेना है, आधा चम्मच भी ले सकते हैं, जैसे उम्र है जैसे वजन है उसके अनुसार। और आपको क्या करना है कि हल्दी दूध पीजिएगा तो आपकी रीढ़ की दर्द भी ठीक हो जाएगा, डांड की दर्द हो गया ठीक हो जाएगा, घुटने की दर्द हो जाएगा, गठिया जैसे भयंकर बीमारी नहीं होगी। और आपको किडनी की सफाई जो है वो किडनी की सफाई बिल्कुल हो जाती है दोस्तों, इसमें इतना गुण पाया जाता है हल्दी और दूध में। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी ऐसी जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों को मिलती रहेगी। और आम खाने से दोस्तों बहुत सभी लोग कहते हैं कि आम खाने से क्या फायदा मिलता है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को आम खाना है तो रेशा वाला आम खाइएगा चूस चूस करके, तो आपको जैंडिस की बीमारी किसी किसी को हो जाती है, वो कहते हैं कि ये कैसे रेशा होगा। दोस्तों आम खाइएगा आप लोग चूस चूस करके तो आंतों की रेशा जो है वो बंद करके रहता है और मर्दाना ताकत जो है वो वापस आ जाती है। आप लोगों को अगर खुशी से और तंदुरुस्त रहना है तो आम खूब खाइए, जब भी आम का सीजन है। आम को 6 घंटा पानी में रख लीजिए, सुबह में निकालिए, और ज्यादा नहीं खाना है, खाना के साथ खाना है। ये नहीं कि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि खाली पेट खा लेते हैं, तो अगर आप लोग ज्यादा आम खा लिए हैं तो थोड़ा सा जामुन जो है वो जरूर खा लीजिएगा, यानी कि कसा वाला चीज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो पेट जो है वो खुल जाता है, या थोड़ा सा चीनी के साथ खाइएगा। वैसे करेंगे आप लोग तो आप लोगों को पेट जो है बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहें मस्त रहें। माता दुर्गा जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर दम हर वक्त खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।